हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का जो विचार है वो हमें भेजा है देवेंद्र पडनेकर जी ने, और देवेंद्र जी लिखते हैं, गुरुजी मैं अनमैरिड हूं, मेरा पहले से मन है कि मैं एक विधवा या डिवोर्सी से शादी करूं, क्या ये लाइफ सफल होगी। इनका पहले से मन है कि कोई ऑलरेडी डाइवोर्सी हो या किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई हो, तो उनसे ये शादी करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी मैरिज सफल होती है। देखिए, मैरिज का सफल होना ना होना इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कोई पर्सन पहले से मैरिड है कि नहीं। मैरिज जो आप कर रहे हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक तौर पे इसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है कि जहां पर दो लोग म्यूचुअली ये डिसाइड करते हैं कि उनको एक साथ रहना है। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसे कुछ योग बनते हैं कि जहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही हैं, तब प्रॉब्लम आती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम जो है वो किसी प्री मैरिड पर्सन के साथ शादी जब आप करते हैं तो उसके साथ आती है। हो सकता है कि पर्सन पहले से मैरिड ना हो, उसके साथ आपकी शादी हो जाए, तो प्रॉब्लम जब भी आ सकती है। लेकिन ऐसे विचार हमारे मन में क्यों आते हैं कि जब आप यहां पर लिख रहे हैं कि मैं किसी विधवा से या किसी डाइवोर्सी से शादी करना चाहता हूं, तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण ऐसी सोच हमारे मन के अंदर आती है। तो इसके लिए हमें कुंडली के सेवंथ हाउस को समझना होगा, आपके मून चार्ट में, लगन चार्ट में, चलित चार्ट में। और यह है आपका सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, यानी अस्त हो जाता है, तब आपके चार्ट में ऐसा योग बन सकता है। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ हो, राहु के साथ हो या शनि के साथ हो, तब भी आपकी कुंडली में ऐसा योग बन सकता है। सेवंथ हाउस के ऊपर अगर राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, या सेवंथ हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब भी आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यानी प्रॉब्लम मतलब ऐसे विचार आपके मन में आएंगे कि मैं किसी प्री मैरिड पर्सन से या किसी डाइवोर्सी से शादी कर लूं। तो ऐसा जब होता है जब आपका सेवंथ हाउस वीक हो जाता है या सेवंथ हाउस का लॉर्ड वीक हो जाता है। सेवंथ हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, जैसे केतु, राहु या शनि, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में हो या ट्वेल्थ हाउस में हो, और उसके ऊपर अगर राहु शनि केतु का एस्पेक्ट हो या वो कंबस्ट हो गया हो, तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बन सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है तो हमारी शादी कई बार ऐसे पर्सन से होती है जो पहले से प्री मैरिड हो या डाइवोर्सी हो या कोई विधवा हो। अगर हम किसी फीमेल का चार्ट देख रहे हैं तो उनके चार्ट में हमें जुपिटर की पोजिशन को भी देखना होगा। जुपिटर अगर वीक हो जाता है, केतु के साथ प्लेस्ड हो, राहु के साथ प्लेस्ड हो, शनि के साथ प्लेस्ड हो, तब भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। और अगर किसी मेल का चार्ट देख रहे हैं तो उसमें वीनस को भी देखना होगा। वीनस अगर केतु के साथ है, वीनस अगर राहु के साथ है, शनि के साथ है, या वीनस अगर कंबस्ट हो जाता है, या वीनस अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, राहु शनि केतु का एस्पेक्ट होता है वीनस के ऊपर, तब भी आपकी कुंडली में ऐसा योग बनता है कि आपकी जो सोच है वो इस टाइप की हो जाए कि किसी विधवा से या किसी ऐसे पर्सन से शादी हो जिसकी वाइफ नहीं है या जिसकी वाइफ का देहांत हो गया हो। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में कि जहां पर आपकी सोच ऐसी होती है कि आप पहले से ही कोई प्री मैरिड पर्सन है, उससे शादी करें। लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप दोनों के चार्ट मैच करते हैं और आप दोनों के विचार काफी अच्छे हैं, मिलते हैं, तो आपकी जो शादी है वो सक्सेसफुल हो सकती है। So guys, take care, love you all and goodbye.